Hello friends, welcome to the video series of Artificial Intelligence. My name is Mukesh Barapatre. Today we are going to discuss partition semantic network in Artificial Intelligence. So let's get started. आज के वीडियो लेक्चर के अंदर में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टीशन सिमेंटिक नेटवर्क. ये एक टाइप है सिमेंटिक नेटवर्क का जिसमें हम जो हमारे फैक्ट्स है, हमारे नॉलेज है, हम उसको प्रॉपरली एक्सप्रेसिव वे से रिप्रेजेंट कर पाए, इसलिए हम यूज करते हैं पार्टीशन सिमेंटिक नेटवर्क का. लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर में हमने डिस्कस किया था सिमेंटिक नेटवर्क. सिमेंटिक नेटवर्क एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है जिसमें हम ग्राफ का यूज करते हैं, मतलब नेटवर्क का यूज करते हैं किसी नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए. जो नॉलेज हमारे पास में अवेलेबल होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकता है. वो नॉलेज में कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स, कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स होते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, जो कि सिमेंटिक नेटवर्क पूरी तरीके से उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता था. क्योंकि सिमेंटिक नेटवर्क में जो नोटेशंस यूज होते थे, ऑब्जेक्ट एंड आर्क्स, यही दो नोटेशंस यूज होते थे जिसका हम यूज करते थे किसी फैक्ट्स को या फिर किसी नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो हमारा जो आज का टॉपिक है पार्टीशन सिमेंटिक नेटवर्क, हम सिमेंटिक नेटवर्क के जो लिमिटेशंस थी हम उसको ओवरकम किस तरीके से करेंगे, ये हम चीजें पार्टीशन सिमेंटिक नेटवर्क में देखेंगे. सो इट इज अ टाइप ऑफ सिमेंटिक नेटवर्क. पार्टीशन सिमेंटिक नेटवर्क इज अ टाइप ऑफ सिमेंटिक नेटवर्क. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम सिमेंटिक नेटवर्क के जो लिमिटेशंस थे हम उसको डिस्कस कर लेते हैं. सिमेंटिक नेटवर्क में हम ऑब्जेक्ट्स और जो उनके बीच के रिलेशनशिप से उसको रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नोड्स एंड आर्क्स. ठीक है, तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं पहले, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमारा पार्टीशन सिमेंटिक नेटवर्क फॉर्म होने वाला है. सो द लिमिटेशंस ऑफ सिमेंटिक नेटवर्क. द लिमिटेशंस ऑफ कन्वेंशनल सिमेंटिक नेटवर्क वर स्टडीड extensively by the number of workers in AI. क्योंकि सिमेंटिक नेटवर्क एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन स्कीम है जिस इसलिए इसको बहुत लोग यूज करते हैं, क्योंकि इसकी पॉपुलरिटी बहुत ज्यादा है तो इसको बहुत लोग यूज करते हैं. बट इसमें कुछ ड्रॉबैक्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो नोटेशंस यूज होते हैं काफी कम है, और मतलब जो हमारे फैक्ट्स होते हैं, जो हमारे पास में नॉलेज होते हैं, हम उसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए ये एक हमारा ड्रॉबैक था सिमेंटिक नेटवर्क का. Many believe that the basic notation is powerful one and has to be complemented by, for example, logic to improve the notations, expressive power and robustness. जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि जो सिमेंटिक नेटवर्क में जो नोटेशंस यूज होते थे वो काफ़ी कम है, और उसको प्रॉपरली हम जो लॉजिक, हमारे जो लॉजिक होते हैं हम उसको एक्सप्रेसिवली रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, दैट्स वाई हमें कुछ एक्स्ट्रा नोटेशंस की जरूरत पड़ने वाली है. Other believe that the notations of semantic network can be improved by incorporating the reasoning used to be describe the events. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें semantic network के जो notations है उसको improve करना है due to incorporating the reasoning facility. क्योंकि इसी के basis पे हम inference mechanism निकालते हैं. जैसे कि हमने predicate logic के अंदर में देखा था resolutions method के through हमने कुछ knowledge के basis पे हमने नए facts को generate किया था, जो कि हमने रेजोल्यूशंस मेथड के अंदर में देखा हुआ था प्रेडिकेट लॉजिक में. ठीक है, उसी तरीके से अगर हमें सिमेंटिक नेटवर्क के थ्रू अगर कहीं रीजनिंग करनी पड़ेगी तो हमें जो नोटेशंस या फिर जो सिमेंटिक नेटवर्क है वो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क नहीं करता है, दैट्स वाई वी नीड सम अनदर ऑप्शंस. सो बाइनरी रिलेशंस आर यूजली ईजी टू रिप्रेजेंट बट समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट. जस्ट लाइक सम एग्जाम्पल्स आर देयर, जॉन कॉजेज अ ट्रबल टू द पार्टी. तो हमारे पास में एक स्टेटमेंट है जॉन कॉजेज ट्रबल टू अ पार्टी. तो हम अगर इसको सिमेंटिक नेटवर्क में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम, आप अगर स्टेटमेंट देखिएगे तो जॉन कॉजेज द ट्रबल टू द पार्टी, तो मेन फंक्शन जो इस स्टेटमेंट का है वो है कॉज. कॉजेज कौन कर रहा है? जॉन कर रहा है. ट्रबल कहाँ हो रहा है? पार्टी में हो रहा है. तो कहाँ पर इवेंट, कहाँ पर है चल रहा था? पार्टी में चल रहा था. क्या हुआ? ट्रबल हुआ. तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इस वजह से. तो दिस इज द कॉज, हु? जॉन, क्योंकि जॉन के थ्रू ट्रबल हो रहा था पार्टी में. सो कहाँ हो रहा है? पार्टी में. व्हाट? ट्रबल हैपनिंग हो रहा था. सो दैट इज द बेसिक रिप्रेजेंटेशन स्कीम ऑफ सिमेंटिक नेटवर्क. बट इसको प्रॉपरली और एक्सप्रेसिव वे से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? दैट इज द वन अनदर लिमिटेशंस ऑफ सिमेंटिक नेटवर्क. सिमेंटिक नेटवर्क के लिमिटेशंस को हम देखते हैं तो उसमें कुछ और भी स्टेटमेंट्स होते हैं जिसको हम सिमेंटिक नेटवर्क के थ्रू प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, जैसे कि कुछ निगेशंस के स्टेटमेंट हो गए, डिसजंक्शंस के स्टेटमेंट हो गए. ये प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट्स है सिमेंटिक नेटवर्क के अकॉर्डिंग. तो आप देख सकते हो निगेशन का स्टेटमेंट है जॉन डज नॉट गो फिशिंग. ठीक है, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट में निगेशन है. तो निगेशन रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास सिमेंटिक के अंदर में कोई भी नोटेशन नहीं था. डिसजंक्शंस, जॉन इट्स पिज्जा, और
फिश एंड चिप्स। आप देख सकते हो कि इस स्टेटमेंट के अंदर में पिज्जा है, फिश है और चिप्स है, तो इसमें जॉन को रिलेट करना है, तो इसको अगर हमें सिमेंटिक नेटवर्क के थ्रू रिप्रेजेंट करना है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। जैसे कि लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर में भी मैंने बताया था कि सिमेंटिक नेटवर्क के अंदर में जो क्वांटिफायर्स होते हैं, क्वांटिफायर स्टेटमेंट होते हैं जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं, वो हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाते थे सिमेंटिक नेटवर्क में। फॉर एग्जाम्पल, एवरी डॉग हैज बिटन अ पोस्टमैन, एवरी डॉग हैज बिटन एवरी पोस्टमैन। तो इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सभी डॉग्स के बारे में बात हो रही है और सभी पोस्टमैन के बारे में बात हो रही है। तो ऑल द पोस्टमैन, ऑल द डॉग्स, सो तो इस टाइप के जो स्टेटमेंट्स है, और सच सम बॉयज सच दैट, तो इस टाइप के जो स्टेटमेंट्स होते हैं इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है हमारा सिमेंटिक नेटवर्क एक्सप्रेसिव वे से। सो इसका सॉल्यूशन क्या है? सो पार्टीशन सिमेंटिक नेटवर्क कैन रिप्रेजेंट द क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। तो जो हमारे पास में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, मल्टीपल ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर पाए, इसलिए हम यूज करते हैं पार्टीशन सिमेंटिक नेटवर्क का। नाउ लेट्स डिस्कस द पार्टीशन सिमेंटिक नेटवर्क। तो पार्टीशन सिमेंटिक नेटवर्क क्या है, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि पार्टीशन सिमेंटिक नेटवर्क किस तरीके से वर्क करेगा। इन 1976 हेंड्रिक्स डेवलप अ वन फ्रेमवर्क और वन पार्टीशन सिमेंटिक नेटवर्क टू रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द डिस्क्रिप्शंस ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट और अ प्रोसेस एंड द डिस्क्रिप्शंस ऑफ सेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। द सेट डिस्क्रिप्शंस इन्वॉल्व द क्वांटिफिकेशंस। मतलब हेंड्रिक्स ने 1976 के अंदर में क्या किया, एक पार्टीशन सिमेंटिक नेटवर्क का डेवलपमेंट किया है जिसमें आप इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शंस ऑफ सेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से हैंडल करने हैं, जैसे कि एवरी डॉग्स, एवरी पोस्टमैन, इस तरीके से अगर फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करना होगा तो आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाओगे। इसलिए हेंड्रिक्स ने 1976 के अंदर में पार्टीशन सिमेंटिक नेटवर्क का डेवलपमेंट किया था। हेंड्रिक्स पार्टीशन सिमेंटिक नेटवर्क वेयर बाय अ सिमेंटिक नेटवर्क लूजली स्पीकिंग कैन बी डिवाइडेड इंटू वन और मोर नेटवर्क्स फॉर द डिस्क्रिप्शंस ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। सो हेंड्रिक्स ने जो पार्टीशन सिमेंटिक नेटवर्क बनाया था वो आपका सिमेंटिक नेटवर्क ही है, बट यहाँ पे क्या होता है, जो सिमेंटिक नेटवर्क्स बनते हैं, यहाँ पे जो हमारे सिमेंटिक नेटवर्क का जो ग्राफ नेटवर्क बनने वाला है वो एक से ज्यादा होगा और उसके साथ में डिस्क्रिप्शंस ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट भी होगा। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शंस भी होगा कि वो उस सिमेंटिक नेटवर्क में उसका रोल क्या है। ठीक है, द मेन आइडिया ऑफ पार्टीशन इन सिमेंटिक नेटवर्क इज टू डिवाइड द सिमेंटिक नेटवर्क according to number of groups, number of nodes and arcs and bundle together into a single unit। मतलब आपका जो भी सिमेंटिक नेटवर्क होगा वो सिमेंटिक नेटवर्क को आप डिवाइड करोगे, इस तरीके से डिवाइड करोगे कि जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है और आर्क्स हैं, जो नोड्स है, उसको एक साथ में बंडल करोगे और एक यूनिट बनाओगे जिसको हम बोलेंगे स्पेसेस। ठीक है, एवरी नोड एंड एवरी आर्क ऑफ अ नेटवर्क बिलोंग्स टू वन और मोर स्पेसेस। मतलब उस नेटवर्क के अंदर में जो भी नोड्स एंड आर्क्स होंगे वो एक से ज्यादा स्पेसेस से बिलोंग्स कर पाएंगे। ये हम एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। सम स्पेसेस आर यूज्ड टू इनकोड द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशंस और जेनेरिक रिलेशंस, अदर आर यूज्ड टू डील विद द स्पेसिफिक रिलेशंस और इट इज कॉल्ड एज स्क्रैच स्पेसेस। तो इस सिमेंटिक नेटवर्क में क्या होता है, कुछ स्पेसेस, मतलब हम क्या कर रहे थे, सिमेंटिक नेटवर्क को डिफरेंट डिफरेंट डिवाइड करते थे स्पेसेस के अंदर में, वो स्पेसेस कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के लिए यूज होगी जिसको हम जेनेरिक रिलेशंस कंसीडर करेंगे, और कुछ स्पेसिफिक रिलेशंस होगी उस पर्टिकुलर नॉलेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ पार्टीशन सिमेंटिक नेटवर्क। सपोज दैट वी विश टू मेक अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट अबाउट अ डॉग डैनी who has bitten a postman Peter। ठीक है, एक डॉग है जिसका नाम डैनी है, वो एक पोस्टमैन है पीटर नाम के, उसको काट लेता है। सो तो स्टेटमेंट हमारा जो है वो ये है, डैनी द डॉग बाइट द पीटर द पोस्टमैन। ठीक है, ये सिंपल सा स्टेटमेंट है सिमेंटिक नेटवर्क के अंदर में जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा एक्शन, यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो बाइट है। ठीक है, वो बाइट कौन करता है, डॉग करता है, किसको करता है, पोस्टमैन को करता है, पोस्टमैन का नाम क्या है, पीटर है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये काफी डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट है जिसमें डॉग का भी नाम दिया हुआ है, यहाँ पे पोस्टमैन का भी नाम दिया हुआ है, और डॉग पोस्टमैन को बाइट करता है। तो अगर ये स्टेटमेंट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना होता है सिमेंटिक नेटवर्क के अंदर में, तो हम सिंपली लिखते हैं बाइट डॉग एंड पोस्टमैन। सो डॉग बाइट अ पोस्टमैन, आप देख सकते हो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ डॉग बाइट अ पोस्टमैन।
ठीक है, तो ये सिंपल सिमेंटिक नेटवर्क के अंदर में होता। तो हेंड्रिक्स पार्टीशन सिमेंटिक नेटवर्क वुड एक्सप्रेस दिस स्टेटमेंट एज एन ऑर्डिनरी सिमेंटिक नेटवर्क। ठीक है, इसको ऑर्डिनरी सिमेंटिक नेटवर्क के थ्रू रिप्रेजेंट करेगा हेंड्रिक्स का, और वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है, डैनी द डॉग बाइट द पीटर द पोस्टमैन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हमने लिखा हुआ है बाइट डॉग एंड पोस्टमैन, सो बाइट इट्स एन एक्शन। ओके, डॉग इज अ डैनी एंड पोस्टमैन इज अ पीटर। ठीक है, ये क्या है, डैनी हो गया या फिर बी हो गया या फिर पीटर हो गया, दिस इज द क्लास। ओके, सो बाइट डैनी बाइट पीटर, डैनी बाइट पीटर, इस स्टेटमेंट से भी मुझे समझ में आ रहा है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल के अंदर में। इस रेक्टेंगल को हम एक नाम देंगे जिसको हम बोलते हैं स्पेस। सो लेट्स कंसिडर इट्स नेम इज एस वन। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है डैनी द डॉग बाइट द पीटर। तो सिंपल सा स्टेटमेंट है, डॉग बाइट द पोस्टमैन, डॉग बाइट द पोस्टमैन, डैनी इज अ डॉग एंड पीटर इज अ पोस्टमैन। सो इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है डैनी, बी एंड पीटर। सो बी इज अ बाइट, डैनी इज अ डॉग एंड पीटर इट्स अ पोस्टमैन। तो ये डैनी आपकी क्लास होगी, क्लास में का जो डैनी आपका क्लास हो गया, बी आपका क्लास हो गया और पीटर आपका क्लास हो गया। सो डैनी से डैनी का इंस्टेंस है डॉग, बी क्लास का इंस्टेंस है बाइट, पीटर क्लास का इंस्टेंस है पोस्टमैन। ठीक है, पीटर पोस्टमैन था, डैनी डॉग था। ठीक है, सो डैनी इज अ एजेंट। ठीक है, और पीटर इज अ पेशेंट, मतलब डैनी ने डॉग पीटर को बाइट किया था, दैट्स व्हाई इट इज अ पेशेंट। सो डैनी इज अ डॉग, बी इज अ बाइट एंड पीटर इज अ पोस्टमैन। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हेंड्रिक्स के पार्टीशन सिमेंटिक नेटवर्क में स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट किया, और इसको हमने एक नाम दिया है, एक जिसको हम बोलते हैं स्पेसेस, सो इट कंसिडर एज अ एस वन। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको डिटेल में लिखे जाएंगे। Suppose that we now want to look the statement every dog has bitten a postman. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो bite का जो है वो third form है bitten, तो यहाँ पे हम bitten use नहीं करेंगे, हम सिर्फ simply bite use करने वाले, but यहाँ पे लिखा हुआ है every dog. Semantic network के अंदर में हम सभी और multiple objects को एक साथ में consider नहीं कर सकते थे। ठीक है, सिमेंटिक नेटवर्क के अंदर में हम सिंगल ऑब्जेक्ट्स को कंसीडर कर सकते थे, बट पार्टीशन सिमेंटिक नेटवर्क में हम क्वांटिफिकेशंस को यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है एवरी डॉग हैज बिटन अ पोस्टमैन। ठीक है, तो आप देखिए, हमने लिखा था डॉग बाइट अ पोस्टमैन, हमने लास्ट सीन वन में लिखा हुआ है एस वन के अंदर में टी एंड बी एंड पी, टी बी एंड पी इट्स क्लासेस। ठीक है, डी से हमारा है डॉग, P से हमारा है बाइट और P से हमारा है पोस्टमैन। सो दीज आर दी ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास डी बी एंड पी। ठीक है, ये हमारा कहाँ से आया, S1 स्पेसेस से आया, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर में देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा ये जो S1 रिप्रेजेंट करता है डॉग बाइट अ पोस्टमैन, दैट इज डॉग बाइट अ पोस्टमैन। अब यहाँ पे डॉग कौन हो सकता है, कोई भी डॉग हो सकता है, वो डैनी भी हो सकता है, मॉन्टी भी हो सकता है, कोई भी डॉग हो सकता है, पोस्टमैन यहाँ पे कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे S1 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पे जो क्लासेस है वो S1 के अंदर से आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे एवरी डॉग के बारे में बात किया हुआ है, यहाँ पे यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन का यूज होने वाला है। सो हेंड्रिक्स पार्टीशन सिमेंटिक नेटवर्क नाउ कंप्रोमाइजेस टू पार्टीशन SA एंड S1। The node G is an instance of special class of general statement about word compromising the link statements form and one universal quantifiers. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले, as previous slide का S1 और यहाँ पे जो space बन रहा है इसको हम represent कर रहे हैं S SA से। ठीक है, एक हम general statements consider करेंगे जिसको हम यहाँ पे बोलेंगे G। तो हमारी क्लास होगी जनरल स्टेटमेंट्स की, हम जिसको कंसीडर करेंगे जी क्लास, और उससे जनरल स्टेटमेंट्स निकलेंगे हमारे। तो एवरी डॉग मतलब सभी डॉग के बारे में बात हो रही है। ठीक है, सो दिस इज द स्पेशल क्लास दैट इज कॉल्ड एज जनरल स्टेटमेंट्स क्लास। ओके, और उसके अंदर में उसका ऑब्जेक्ट है जनरल स्टेटमेंट। तो हमारा जो एग्जाम्पल है एवरी डॉग has bitten a postman, तो हम इसको represent कर सकते हैं using universal quantifiers। तो universal quantifiers के लिए हम लिखेंगे और a form,
ठीक है, तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स में यूज हो रहा है, आप देख सकते हो कि जनरल स्टेटमेंट लिंक टू एस वन टू डी, दैट इज डी क्लास, ओके। तो यहां पर इनके बीच में रिलेशनशिप्स है एवरी, एंड जनरल स्टेटमेंट फॉर्म्स एस वन, जनरल स्टेटमेंट फॉर्म्स एस वन, तो यहां पर आप देखोगे एवरी डॉग, तो एवरी डॉग बाइट अ पोस्टमैन, एवरी डॉग बाइट्स अ पोस्टमैन, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इस स्टेटमेंट से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे एवरी डॉग हैज बाइट अ पोस्टमैन, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स हम देखेंगे, सपोज दैट वी नाउ वांट टू लुक द स्टेटमेंट्स एवरी डॉग हैज बिटन एवरी पोस्टमैन, यहाँ पे एवरी डॉग भी है एवरी पोस्टमैन भी है, तो इस टाइप के स्टेटमेंट्स को हम किस तरीके से देखेंगे, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड के अंदर में एस वन स्पेसेस बनाया था सिमेंटिक नेटवर्क का, ठीक है, तो हमारा वो एक सिमेंटिक नेटवर्क का पार्टीशन है, उसको हम यूज करने वाले इस सिमेंटिक नेटवर्क के अंदर में, और जिसमें हमारा जनरल स्टेटमेंट भी होगा। सो वी कंसीडर द क्लास जी, दैट इज जनरल स्टेटमेंट, ओके, एवरी डॉग हैज बिटन एवरी पोस्टमैन, एवरी डॉग हैज बिटन एवरी पोस्टमैन, तो जनरल स्टेटमेंट क्या कहेगा, एवरी डॉग बाइट पोस्टमैन, एवरी डॉग बाइट अ पोस्टमैन, तो ये हमने लास्ट एग्जाम्पल के अंदर में देखा हुआ है, ठीक है, बट यहाँ पे आता है एवरी पोस्टमैन। सो जनरल स्टेटमेंट में आप देखोगे यहाँ पे दो रिलेशनशिप्स है विच रिलेट टू डायरेक्टली डी क्लास एंड विच रिलेट डायरेक्टली टू पी क्लास। सो एवरी डॉग बाइट एवरी पोस्टमैन, ठीक है, तो इस तरीके से हम पार्टीशन सिमेंटिक नेटवर्क के अंदर में क्वांटिफिकेशंस का यूज कर पाते हैं। कुछ और हम एग्जांपल्स देखेंगे, सपोज दैट वी नाउ वांट टू लुक द स्टेटमेंट एवरी डॉग इन अ टाउन हैज बिटन द पोस्टमैन, ठीक है, बिटन इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ बाइट, तो हम इसको सिंपली बाइट ही लिखेंगे। तो एवरी डॉग इन अ टाउन, एवरी डॉग इन अ टाउन, उस टाउन में जितने भी डॉग्स है वो सारे पोस्टमैन को बाइट कर रहे हैं, ठीक है। सो सिंपल स्टेटमेंट है, आप देख सकते हो कि डी, ठीक है, डी इज अ क्लास ऑफ डॉग ऑफ टाउन डॉग, डी इज अ क्लास ऑफ टाउन डॉग, ठीक है, उस टाउन में जो भी डॉग होगे, तो इट्स अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स, तो इनके बीच में क्या होगा, इट्स अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स, और बाइट का आपको पता है बाइट एंड पी से पोस्टमैन हो जाएगा, सो क्लास डी इज अ एजेंट एंड क्लास पी इज अ पेशेंट, जी क्लास इन सो द जी क्लास रिलेट विद द डी क्लास, that is a dog class, town dog class or town dog, okay, so every symbol lag jayega jisko hum bolenge every dog, theek hai, every town dog, so hamara statement banega every town dog bite a postman, every town dog bites a postman। ye jo semantic network hai, ye semantic network ko aap dekh sakte ho, isko humne rectangle ke andar mein draw kiya hua hai, to ye compulsory hai ki agar hum सिमेंटिक नेटवर्क्स बना रहे हैं तो यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट सिमेंटिक नेटवर्क्स को पार्टीशन करना होता है। तो जैसे कि हमारा S1 जो है वो एक सिमेंटिक नेटवर्क है, SA जो है वो एक दूसरा सिमेंटिक नेटवर्क है, और SA जो है जिसमें हम यूज कर रहे हैं एवरी को, और S1 के अंदर में हम सिंपल एक डॉग को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो S1 रिप्रेजेंट सिंगल डॉग एंड SA रिप्रेजेंट एवरी डॉग इन अ टाउन, ठीक है, तो इस टाइप से हम पार्टीशन सिमेंटिक नेटवर्क का यूज करते हैं। Now let's take an example and draw some partition semantic network for following statements. ठीक है, so we have a statement, John believes that pizza is tasty. Every student loves the party. तो ये statements काफी important होते हैं, इस type के statement जो है वो आपके university examinations और gate examinations में पूछे जाते हैं, जिसमें आपको partition semantic network draw करना होता है। Just try to create the partition semantic network for following statements. John believes that pizza is tasty and every student loves to a party. Every student loves to a party. So John believes that pizza is tasty. Okay. So यहाँ पे descriptions काफी है, आप देख सकते हो believes एक functions है, John एक object है, pizza है और pizza tasty भी है, तो यहाँ पे pizza का descriptions दिया हुआ है, तो इसके लिए हमें semantic network बनाना पड़ेगा। Every student loves to a party. So loves is a functions. One object is student and party is another object. And student यहाँ पे सभी students को हम consider करने वाले हैं, तो इसके लिए try कीजिए आप partition semantic network बना पाए, ठीक है। तो हम इसको continue करते हैं, हम इसके partition semantic network हम देखेंगे किस तरीके से बनेंगे। तो हमारा पहला statement है,
John believes that pizza is tasty. John believes that pizza is tasty. So believes is a function and we have a two objects, John's and pizza. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट वी हैव अ पिज्जा. आप देखिए यहाँ पे स्पेस बना हुआ है जिसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखा हुआ है. ऑब्जेक्ट इज अ पिज्जा एंड प्रॉपर्टी इज टेस्टी. तो आप देखोगे पिज्जा पिज्जा इज अ टेस्टी. सो ऑब्जेक्ट पिज्जा हैज अ प्रॉपर्टी टेस्टी. तो पिज्जा आपका टेस्टी हो गया. सो दिस इज द वन पार्ट ऑफ सिमेंटिक नेटवर्क, दैट इज वन डिविजन ऑफ सिमेंटिक नेटवर्क. ठीक है, नाउ जॉन बिलीव्स दैट पिज्जा इज टेस्टी. तो इवेंट जो है हमारा बिलीव्स है. ओके, तो जॉन यहाँ पे हम इवेंट की जगह पे डायरेक्टली बिलीव्स भी लिख सकते थे. जॉन बिलीव्स दैट पिज्जा इज टेस्टी. ओके, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं जॉन बिलीव्स पिज्जा इज टेस्टी. तो इस तरीके से हमारा स्टेटमेंट बन जाएगा जॉन बिलीव्स दैट पिज्जा इज टेस्टी. सो दिस इज द पार्टीशन सिमेंटिक नेटवर्क. ओके, तो ये एक सोल्यूशन है. दूसरा हमारा स्टेटमेंट था एवरी स्टूडेंट लव्स टू अ पार्टी. हम उसका भी पार्टीशन सिमेंटिक नेटवर्क देखेंगे. सो सॉल्यूशन टू फॉर एवरी स्टूडेंट लव्स टू अ पार्टी, आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके टू पार्टीशन सिमेंटिक नेटवर्क्स है जिसका यूज करते हुए हमने ये एग्जाम्पल बनाया हुआ है एवरी स्टूडेंट लव्स टू अ पार्टी. इसको सिंपल वे से भी बना सकते हैं. यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे से बना के रखा हुआ है. तो आप इस तरीके से इसका एक सोल्यूशन आपको मिल जाएगा. आई होप You understand the today's topic, that is partition semantic network. See you in next video lectures. That's all from today's topic. Jai Hind.